श्री राम जी कहते हैं रामचंद्र जी के, श्री राम जी के और जानकी जी के सवाल जवाब है। और ये समझो मन में जनक की जाई के खोटी शाया तुम्हारी आई, कहाँ के आहू किलो लगाई समझ ले कर दिश दिनों की छाई, न खौप कर दिश का मुझको स्वामी जब आप रघुबर मेरे हामी, अरे हर फिक्र अब तो हर यही दवाई के पावे मुझको ये मृगनामी, अगर है मर्जी यही तुम्हारी तो बन को सीता मेरी प्यारी, अरे सुनो लखन जी अरे मेरे पिछारी कुटी का पहरा दो बान धारी। लक्ष्मण जी ये दास चरणों में सर झुकावे है कुटी पे पहरा प्रभु लगावे, अगर मुकाबिल कजा भी आवे नहीं यहाँ से लक्ष्मण कदम हटावे। अब श्री रामचंद्र जी हैं मृग के पीछे चले हैं धनुष बाण लेकर के, चल रे मृग जिधर को चल नाम हो तुम्हारे आई रहे, चल रे मृग जिधर को चल नाम हो तुम्हारे आई रहे, अरे बस मन में ले जान तुम्हारी कजा ढूंढ कर लाई रहे, अरे बलिया अपना दिखा ले मन का भरम मिटा ले दो चार चौकड़ी जो लानी हो और लगा ले मारीच, अरे कभी प्रकट हो कभी गुप्त हो दूर ये नहीं ले जाऊंगा, कभी प्रकट हो कभी गुप्त हो दूर ये नहीं ले जाऊंगा, अरे धन धन मेरे भाग राम के अरे हाथ मारूं पद पाऊंगा, मैंने एक कपाट बनाया है हर मरने के काज आया है, अरे पूर्ण है भाग मेरे है पूर्ण है भाग मेरे दर्शन प्रभु का पाया। श्री राम जी कहते हैं अरे ले अब होशियार वासते तेरे बाण सहारा है, अरे साध शस्त्र सा भूत सूध करे अरे तकना भी में मारा है, अरे किसने तुझे पठाया अरे छलका मृगा बनाया, मरते समय यसुर ने अरे मरते समय यसुर ने निज रूप को दिखाया। मारीच क्या कहता है मरते मरते, अरे धन धन मेरे भाग राम के हाथ मरा पद पाया है, धन धन मेरे अरे भाग राम के हाथ मरा पद पाया है, दया करी से असुर देह से आज फंद कटवाया है, अरे स्वामी शरण हूँ तेरी हाय विपता सही घनेरी, हाय मैं तड़पता अकेला हाय मैं तड़पता अकेला लक्ष्मण खबर लो मेरी, यही तो दुष्ट सारा काम बिगाड़ गया आखिर में। मारीच की लक्ष्मण लक्ष्मण बलंदाबाद जानकी जी के कान तक पहुंचना और उनका जतीजी को श्री राम के पास जाने के लिए निहायत जोर देना और लाचार होकर के उनका जाना, जानकी जी कहती हैं अरे दुखी बन में लक्ष्मण बिरादर तेरा है जे दुखी, बन में लक्ष्मण है बिरादर तेरा है, मैं सुना अपने कानों पुकारा तुझे और सुनी जब से अरे आवाज मैं तड़पती है किस तरह से करी है गवारा तुझे, अरे अकेला है जंगल में भाई तेरा क्या बिरादर नहीं अपना प्यारा तुझे, अरे जो ऐसे वक्त में अरे मदद ना करे अरे किस लिए हाथ में बाने धारा तुझे, और जो ऐसे वक्त में मदद ना करे किस लिए हाथ में बाने धारा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं अरे आवाज माताएं तुम्हें जो सुनी अरे वो किसी नीच राक्षस की जूनी छुटी,
अरे सुना बोला बेशक अगर अपने हैं है वो किसी नीच ने जाल साफ कर। अरे अकेले समझ कर श्री राम को अरे आप माता जी मन बीच डरिए मती। और नहीं जीत सकता हूँ हर बिरादर मेरे को और मुकाबिल को या करे अगल काल भी। जानकी जी कहती हैं हर तसल्ली की बातें सुनाता है क्या बस मुझे तो सब्र इससे आता नहीं और मुझे टालने का है सबब तो बताई इस खामोशी का कुछ भेद पाता नहीं है लाजिम बिरादर की करनी मदद अब चला किस लिए फिर तू जाता नहीं है जुदाई से रघुवर की अरे अब मैं मरूं अरे क्यों लखन मेरा संकट हटाता नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं हे माँ अरे यहाँ रह के रक्षा करूं या आपकी जी ना यहाँ रह के रक्षा करूं या आपकी है मुझे बस श्री राम का ये हुक्म अरे ये इजाजत नहीं मुझको रघुनाथ के अरे जो हटाऊं मैं जननी यहाँ से कदम करूं भंग या जम अगर राम की तो या कारत गया जननी मेरा जन्म किसे ताब हो अरे सामने राम के अरे हो गया है यूं ही आपको ये भरम। और इतना सुनकर के फिर जानकी जी जो हैं ताना देती हैं अरे मकसद तुम्हारे मन का मकसद तुम्हारे मन का सब मुझको है मकसद तुम्हारे मन का सब मुझे को पा रहा है फिर किस लिए जबां से माता रहा है फिर किस लिए जबां से माता बना रहा और मैं भी समझ चुकी हूँ हर जाहिर बनावे माता मैं भी समझ चुकी हूँ जाहिर बनावे माता हर बातन में पर मेरे से बातन में पर मेरे से शादी रचा के बातन में पर मेरे से शादी रचा रहा। कैसे कटु शब्द बोले हैं हर दिल से हमेशा यह से हर मौके का मुंतजर था हर दिल से हमेशा यह से हर मौके का मुंतजर था हर तू इसलिए आवाज से हर जंगल में आ रहा है तू लिए आवाज से हर जंगल में आ रहा है मकसद तुम्हारे मन का सब मुझको पा रहा है फिर किस लिए जबां से माता बना रहा है हर पीछे से क्या लगेगी अरे बस याग तेरे दिल को पीछे से क्या लगेगी अरे बस याग तेरे बल को अरे जंगल में जब के भाई अरे संकट उठा रहा जंगल में जब के भाई संकट उठा रहा हर श्री राम के हुक्म का
करता है तू बहाना, वरना यहाँ कुटी में आई क्या मुझको खा रहा है, वरना यहाँ कुटी में क्या मुझको खा रहा है। हर दे दे जवाब बेशक हर जाना नहीं अगर है, पर फिर किस लिए ये बात है हर झूठी बना रहा है। हर जाना अगर न तुझको पर बस मुझको जाने दीजे, अरे बहराम जी का मुझको अरे दम दम सता रहा है, बहराम मजी का मुझको दम दम सता रहा है। मकसद तुम्हारे मन का सब मुझको पा रहा है, फिर किस लिए जबान से माता बना रहा। जिस वक्त माता सीता ने लक्ष्मण जी के प्रति ऐसे कठोर वचन सुनाए तो उनको सहन करना मुश्किल हो गया, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? अरे बस माता जी माफ कीजिए, ये क्या बात सुनाती रही, अरे बस माता जी माफ कीजिए और ये क्या बात सुनाती रही, अरे आप धर्म की माता मेरी क्यों सर पाप चढ़ाती रही, अरे आज्ञा जो ये तुम्हारी मैंने वो सर पे धारी है, दो तरफ मुझको मुश्किल है बने की करी तैयारी, अरे किया ऐसा अब अरे अपने मन में विचार है चौतरफा बना दीनी है कुटिया के कार, मैं रघुवर काले नाम देता हुक्म अरे उलांगे जो इसको तुरत हो भसम, सुनो जानकी जी मेरा ये सखन अरे तुम्हारे लिए ये किया मैं जतन, मेरी कार को मत उल्लंघन करो वरना हम आमे जब तक के अंदर रहो। इतना करके लक्ष्मण जी वनों में चल दिए हैं। उधर रावण जो छुपा खड़ा था क्या कहता है, अरे राम लखन बन गए अकेली सीता नार, अरे मात कुटी वाली मुझे अरे भिक्षा की दरकार, भिक्षा की दरे कर खड़ा दरे ऊपर यलखा पुकार रहा, अरे कई दिन से भूखा जंगल में बिना भोजन कष्ट सा हर रहा, अरे कहो कुटिया वाली मात तेरी भी क्षा की करे इंतजार रहा, याद अरे स्वाली ने स्वाल की या आकर देना तेरे यार रहा, अरे सुन कुटिया वाली अरे तेरे दर खड़ा सवाले अरे याद साफ जवाब चला जाऊं मैं खाली। जानकी जी कहती हैं, अरे लो बाबा इस वक्त जो जो की जो भीख कबूल, अरे लाती हूँ तुम कारण कंदमूल फल फूल, कंदमूल फल फूल नाथ जी काजिया तुम्हारे लाई, कृपाया अपने करी आन जो दर्श दिया रखुराई, धन्य हमारे भाग्य आपका दिया दर्श दिखलाई, अगर ये आपको क्षुदा लगी है फिर क्यों देर लगाई। रावण कहता है, अरे चार तरफ इस कुटी के अरे बनी हुई है कार, अरे बिंदी भीख है दरवेश को जो समझ रखत के धारे, समझ रखत की धारे हमें छूना नहीं भीख तुम्हारी को, अरे दे बंदी भीख या ब्यागत को है दोष बड़ा घर बारी को, और तेरी करनी से दोष चढ़ेगा तेरे पति तपधारी को, और साय सामर्थ्य अगर नहीं दे तुझे तो दे फिर जल्द जवाब भिखारी को।
जान की जी कहती हैं, अरे इधर लखन का हुक्म है और इधर ऋषि का शाह, अब करना क्या उचित है, लगे नहीं जो पाप, लगे नहीं जो पाप तो तरफा अपना धर्म बचा लूंगी, अगर नहीं पड़ेगी भीख ऋषि का कैसे हिसाब संभालूंगी, लाजिम मुझको अब यही हुआ जोगी को भिक्षा डालूंगी, पर क्या लक्ष्मण को मालूम पड़ी पाप भिक्षा फिर मिला लूंगी। झट बाहर आई पैर से कार मिटाई, जल्दी लीजो भेज करो झोली रघुराई रिखराई। बस बाहर आना था रावण, अरे चली जावे वापिस तेरी क्या गति, अरे ऋषि कौन है मैं हूँ लंका पति, तेरे वास्ते मैंने संकट भराई, हर तजा राज बाना फकीरी कराए, उठा गोदरथ में चढ़ाऊ तुझे, हर कोई दम में लंका पहुँचाऊ तुझे, अरे शुक्र कर कहाँ थी ये किस्मत तेरी, कि मैं बुबा लंका पति की बनी, अगर राम के साथ रहती यहाँ ये लंका का या राम पाती कहाँ। जानकी जी, अरे हाय पापी दुष्ट चंडाल को मार्ग गामी, अरे होगी त्रिलोकी में तेरी बदनामी, अरे दुष्ट क्या ये तुझे स्यार का काम, कोई घड़ी में आया चाहते सिंगर रूप श्री राम, दो दर्शन दूसरा तो सुमन शरण में तेरी, कहाँ बैठ गई महाराज खबर लो मेरी। अरे महाराज कोई इतना तो जश लेना, अरे निश्चर राज हरि सीता रघुबर को खबर देना है। ना कहती जा रही है माता सीता जो है वो विलाप करती जा रही है, अरे कोई कोई राम कायम से मदद में प्री करो बन में, कोई कोई राम कायम से मदद में प्री करो बन में, और मदद निर्बल की करना रह धर्म सबको सुनाती हूँ, पड़ी मुझे दीन पर विपार हम लाभ हो कोई मन में, और सभी चुपके हुए सुनते ऋषि है योगी वह सन्यासी, दयालु नाम धरवाया है दया देखी न संतन में, तेरा एहसान भू मैं भूलूंगी नहीं है, बरक बड़े भागन मुझे गर कर भस्म कर दे, छुपी किस वास्ते घन में। सीता जी की आहुजारी सुनकर के जटायु गीत गाए इनकी मदद को आना। जटायु कहते हैं, अरे बदकार मक्कार बुझ दिल बताए, खैर यबला को काफर सताता है क्यों, छो मर्दरन सूरनी तीन पन, और वो औरत भी गानी चुराता है क्यों, और लगा बैरी रामन श्री राम से, हर सर पे अपनी कजा को भुलाता है क्यों, मेरा मन कहना है इसे छोड़ दे, आज नाहक जहन्नम को जाता है क्यों। रावण, अरे गीत मन में विचार आ गया क्या है, ढूंढ लाई है शायद ये तेरी खजान, करी लंका पत की बेहद भी यारे मुड़े, इसकी तुझे दूंगा ऐसी सजा, पर उबाल बाजू तेरे फाड़ दूं, इस हमायत का तुझको चखाऊं मजा, मैं तैयार हूँ यार युद्ध के लिए है, और तुम्हारी है बस गीत ये रसा। जटायु, है मालूम तू जैसा तू है सूरमान, हम मजा देख सीता हरण का धरम, हर किया वार काटी भुजा चोंच से है, जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिरा,
अकेली समझकर चुरा ली सियाराम, बेहयातों ने इस पे लबद से डरम, हर छत्र तोड़ डाला तहा सारथी, अरे रथ हटा तर्प कुटिया के वापिस का राम। रावण पुकारे गई सर्प कदादम बदम, अब यारे मोड़ा लुक माया जल का बन, निकाली खर शमशेर जब राम जय आए, अब संभल कर बचाना मेरे बारे को। कटे पर बाजू लगा दस्मकारी, हर बुला ले इसे जो मदद गा रहे हो, मरा है न जीता रहा बेहयाय, अब जमीन पर पड़ा बतड़ा तारा हो। ऐसे और मरा करके छोड़ दिया है। जटायु कहते हैं बड़े बड़े, श्री राम दर्शन मुझे दीजिए, अपने करनी का फल बस मुझे पा गया, मेरा तन महानीच निकृष्ट था, अरे है सफल कर काम में राम के आ गया, समझता हूँ जीने से बेहतर चखे, हाथ रावण के जंगल में मारा गया, लगी है यही अरे लो अगर जीते जीते, विधाता दर्श राम का पा गया। लंकापति, अरे मुझे खुशी मन में बड़ी, जो सिद्ध हुए सबका, लंका में से आ गई रही हमारी नाग, रही हमारी भारी अशोक, या अशोक बाग में डेरा दिया घोड़ा डाल वृक्ष में, ओ खुश करो बसेरा, रहे बांदियां टहल बीच में, नीति उठ सांझ सवेरा, लंकापति सुन जान जान की है शहदा जी तेरा। अशोक वाटिका के अंदर जानकी जी जो है वो विलाप कर रही है। प्रभुली ये खबर मेरी कहाँ देरी लगाई है, छोड़ दे कुंठ या बसीता, है जमपुर में आई है। बाबा जनकपुरी का स्वर्ग छोड़ करके नरक के अंदर आ पड़े थे चले। अरे जनकपुर में हुई पैदा यवद में, अहे राजे सुख भोगम किया वासा विपन में मौत, अब लंका में लाई गयम, अहिल्या पार कर दीनी गोया दिया, दया गोहराज पर कीनी, तुम्हें निज दास कौशक की बनों में यज्ञ कराई गयम, तुम्हारा नाम करुणा में दया मैं वेद गाते गयम, इसलिए वासते मेरे है प्रभु देरी लगाई है। प्रभु जी मैं गऊ काली कसाई के बंदी खूटे, बेग रक्षा मेरी कीजे तेरी रघुवर दोहाई है। खबर लीजे जति लक्ष्मण करो बस, और ये कहना तुम्हें तो आज तक देवर मेरी सेवा निभाई है। आरण्य कांड संपूर्ण किष्किंधा कांड का आभा बोलो, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सुनो वीर हनुमान, अरे आसन यान विराजिए, और तेज पुंज बलवान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो श्री बजरंग बली की जय हो। लक्ष्मण जी का तलाश करते करते श्री राम के पास जंगल में पहुंचे, और भगवान रामचंद्र जी का नाराज होना,
राम जी क्या कहते हैं, को भंग करके क्यों पास मेरे आया, को भंग करके क्यों पास मेरे आया। वहाँ चौकसी पे लक्ष्मण किसको कहो बिठाया। लक्ष्मण जी कहते हैं, हर माता ने बोल लक्ष्मण लक्ष्मण सुना विपन्न इशारा करके भेजा मुझको उन्होंने बन में, इशारा करके भेजा स्वभाव लक्ष्मण। अरे तुम जानते हो भाई तेरी स्वभाव लक्ष्मण, तुम जानते हो भाई तकलीफ किस लिए फिर आने किए उठाई तकलीफ। हर भैया गजब का कलमा माता ने जब सुनाया, भैया गजब का कलमा माता ने जब सुनाया, मैं सुन सका नहीं इसको, मैं सुन सका नहीं इसको, तब तो सकान ये इसको तब तो बनो। हर क्या बात है बिरादर, हर औरत की मान लीनी, लक्ष्मण समझ कुटी पे, लक्ष्मण समझ कुटी पे होगी कुशल कभी। श्री राम जी का मैं लक्ष्मण के कुटी पर आना और वहां पर सीता को न पाकर के उनकी जुदाई में बेकरार होना। श्री राम जी, है गोपाल सुनिया भाई, है सीता नजर आती नहीं, मैं कहे तू रहता ये जगे ऐसी हाथ से जाती नहीं। अरे हाय जनक जाई तेरे है, ऐ सद में जुदाई से मरूं, और अपने सूरत मोहनी क्या मुझको दिखलाती नहीं। हर किस लिए गज गामने हली नाय रुख अनवर छुपान, हर बे रुख की है जान मन, है कुछ भी वजह पाती नहीं। हर उड़ गई बाद बहारी है घर गोले गुलजार से, अरे है कली वो कौन से है खजा से जो कमलाती नहीं। अरे इस तरह सीता तेरे है, अरे बिना है मुझे जीना मुगान, अरे दर्द फुरकत को सहारे हर ये तो वो चाहती नहीं, दर्द फुरकत को सहारे
अरे ये तो वो छाती नहीं, अरे है गुफा सुनी आए, अरे सीता नजरिया की नहीं। दोनों भाइयों का जंगल में जाकर के सब जगह जानकी जी की तलाश करना और वहां पर जटायु भगत का मिल जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री राम जी, अरे जुदा ये लक्ष्मण जनक सुता के मुझको नहीं गवारा है, हाय सितमगर हाय मेरे सीने पर खंजर मारा है। चलो लखन ढूंढे वन में सीता प्राण प्यारी को, शायद लगे सुराग पता हो अगर किसी तपदारी को। और देखा दी दमैलका देख बेता दी पिया हमारी को, अरे भरे विपन में राम खबर दे कोई जनक दुलारी को। अरे दुख में हो साथी न कोई, ये मसल मशहूर है, इस वक्त मुझसे अजल भी हो गई मकूर है। अपनी फुरकत से रुलाना कर तुझे मंजूर है, फिर तो बंदा घर तरे लाचार वो मजबूर है। नहीं जतन कुछ बने मुझे बस मरना लखन बिचारा है, आए सितमगर मेरे सीने में खंजर मारा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे बेताबी भगवान आपकी मुझको नहीं गवारा गए, सुना अब्रह का बोल मेरे सीने पर खंजर मारा गया। पल पल में बेचैन विपल सुन धड़क रही छाती मेरी, हाय चला क्यों गया नाथ नहीं नाथ घड़ी वो फिर आती। अरे होती पीड़ पास कुटिया के घर माता बन को जाती, अगर दरिंदा कोई सताता यहाँ निशानी तो पाती। सोचता हूँ दम बदम कुछ समझ में आता नहीं, हो गई गायब कहाँ मुझको पता पाता नहीं। मान कर हुक्म सिया लक्ष्मण अगर जाता नहीं, हर वक्त ये मन हो सूरत फिर दिखलाता नहीं। अरे अपनी नादानी से मुझको इतना कष्ट सहारा है, सुनाया ब्रह का बोल मुझे सीने पर खंजर मारा है। श्री राम जी कहते हैं, चलते चलते जिस वक्त वन में बहुत दूर निकल गए, अरे देख लखनी यहाँ असुर पड़ाई के, ये कहाँ से चल कर आया है, और शायद सिया इसे खाई जिन्हें, अरे धोरे रखत खंडाया गए। खाया न खौफ मन में और लेता मगन भुवन में, अरे लक्ष्मण खपा को मारूं लक्ष्मण खपा को मारूं, अब तीर इसके तन में। जटायु भगत क्या कहते हैं भगवान की आवाज सुन करके, अरे ना जीता ना मरा या धर्म दास तुम्हारा लटक रहा, जीता न रहा तुम्हारा लटक रहा, बिन दर्शन रघुनाथ तुम्हारे बंदा कब से भटक रहा। अरे घायल हुआ पड़ा हूँ, अरे दुखिया बहुत बड़ा हूँ, दुखिया बहुत बड़ा हूँ, घायल हुआ पड़ा हूँ, सीता छुड़ा मने को, सीता छुड़ा मने को, रावण के संग लड़ा हूँ। भगवान राम कहते हैं, अरे भगत एहसान किया तई मरा हमारी आई है, अरे भगत एहसान किया तुम मरा हमारी आई है, जरा बता दे बस जरा पता दे पता गरी कहाँ और किसने सिया चुराई है।
बतलाद दे रसारण हूँ प्यास कारण किस दोस्त ने यह बदन ये किस दोस्त ने बदन ये घायल किया तुम्हारा जटाई कहते हैं निश्चर राज लंक पतने धोखे से सिया चुराई है राज लंक पतने धोखे से सिया चुराई है सुनो नाथ जी दे बस हो लंका को गई जनक की जाली है जो मैं मदद को आया घायल मुझे बनाया इतना कहा जबान से इतना कहा जबान से पूरा प्राण दाया जटायु से श्री जानकी जी की खबर पाकर के लंका की तरफ राम आजम करना और निज भगतनी भीलनी को दर्शन देकर आगे जाना और उसके झूठे फल खाना भाई चलो लक्ष्मण मेरा भाई खबर सीता की पाई समझ लो इस बहाने से कजा रावण की आई है अजल अपनी को रावण ले गया है खुद भी चलंका के हुआ मालूम है बस गर्देश सकल असुरों पे छाई है हरे किया बदकाम बुजदिल ने और बनाए घर में बली योधा है न समझा दुष्ट ने लक्ष्मण है मेरे संग वीर भाई रहें बना दे चार लंका को चढ़े है दोनों बिरादरिया रहे जिंदा या सुर कैसे है जिससे सीता चुराई रहें इरादा है यही जल्दी लखन है लंका में जा पहुँचे करें मंजिल ब मंजिल तय यही दिल में ठहराई है हरे प्रभु बस प्रेम के निजे और भक्त के आधीन होते हैं चले आ ये जहाँ भिलने है निज कुटिया बनाई है भिलनी कहती है कृपा कर अवधनाथ दर्शन दिया कृपा अवधनाथ दर्शन दिया ओए महापापनी को शरण में ली पड़ी थी मैं लाखों वर्ष से यहाँ प्रभु पड़ी थी मैं लाखों वर्ष से यहाँ के दर्शन मिले नाथ का बेगुमा के दर्शन मिले नाथ का बेगुमा मेरी भेंट स्वामी जी की जो कबूल मैं लाए हूँ जंगल से फल कंदमूल हमेशा इसी पर लाती थी मैं तेरी देख कर बात खाती थी और तेरी देख कर बात खाती थी मैं श्री राम अरे जो हाजिर है इस वक्त खाने को लाग और मैं भूखा हूँ बस भगत नी प्रेम का अरे तेरे कंद फूल फूल मंजूर है मुझे भक्त निज आंख का नूर मुझे भक्त निज आंख का नूर लगा भोग निज हाथ से भगत नी निज हाथ से भगत नी ये सेवा तुम्हारी मेरे मन मनी और ये सेवा तुम्हारी मेरे मन मनी तेरे भगत ने मन की इच्छा है जो तेरे मन की इच्छा है जो सफल कर दूं अपनी जबान से कहो यार सफल कर दूं अपनी जबान से कहो भीलनी कहती है सुनकर के भगवान की बात हरे सकल विश्व बस तेरे मगर खुद प्रेम के बस हो जाते हो
करुणा मैं रघुनाथ भक्त सल तभी कहते हो। बचपन में ध्रुव भगत जिस दम तेरे नाम का जाप किया, राज समाज त्याग कर मन से हरि रस प्याला प्रेम किया। अरे प्रेम विवश हुए प्रगट विपन्न में, अरे दर्श भगत को यहाँ दिया। अरे कर भक्ति अरे रघुवीर आपकी अटल अचल या स्थान लिया। अपनी निज मर्याद आप भगतों की विपत हटाते हो। करुणा मैं रघुनाथ भगत वत्सल तो तभी कहते हो। हर निज भक्तों के काजी आप नरसिंह रूप दर्शाते हो। और करुणा मैं रघुनाथ भगत वत्सल तो तभी हरे। कच्छ मच्छ नर नारायण बन जिनको पार उतारा गए, कभी बने तुम मीन कभी बारा रूप को धारा। मत भगत की हरो हर तरे स्वामी परण तुम्हारा गए। अपना प्राण त्याग देते पर भगत का प्राण प्यारा गए। हर प्रेम विवश झूठे फल अरे रघुवर भिलनी तक के खाते हो। करना मैं रघुनाथ भगत वत्सल तो तभी कहते हो। मुझे नाथ हरदम शरण है तेरी, सफल हो गई समुरादे मेरी। मैं सन्मुख तुम्हारे कहता जू अपना तन किया मैंने रघुनाथ अब ये जतन। चिता झट बनाई जलन के लिए मैं तैयार, सुरपुर चलन के लिए लगाया गजल कर भस्म हो गई। जिसे नाथ ने अपनी भक्ति दई, बोलो भिलनी माई की जय। चलो लखन अब अगाड़ी बन को लौटा दे, रामन की राजधानी मिटा दे दुनिया से खोज इसका, न बाकी कुछ भी रहे निशानी। अरे पराई औरत को धोखा देना नहीं है राजाओं का धर्म होता। हुआ ये वाजिब फर्ज हमारा सजा बदी की से दिलानी। मेरे बिरादर के बान कारी किताब लावे क्या इसके हस्ते, तकाया पाजी ने क्या ये मन में, न मेहमा रघुकुल की इसने जानी। अरे मनेगा फागुन लखन महापल, अरे चाला वो लंका बना के होली। उड़े रकत का गुलाल निष्दिन, अरे श्रवण से हो रही वहां मचानी। कभी न जिंदा रहे वो पापी सताया जिसने जनक सुता को, मिटे जगत से निशान रावण न देने वाला बचेगा पानी। सुग्रीव जी जो कि बंदरों का राजा थे, वो श्री राम और लक्ष्मण को अपनी तरफ आता देख करके बहुत डरे। और वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये कौन है दो धनुष बाण चढ़ाए हुए चले आ रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि मेरे भाई बाली ने इनको मुझे मारने के लिए भेजा हो। ये हनुमान जी हैं तुम जाओ, मैंने हाँ हाँ ऐसे ऐसे कामों के अंदर आप ही अच्छे लगते हो। सूरी कहता है चढ़ाए हो वे तीर को दो जमान, सब क्या है सीधे जो आते यहाँ। ये शायद पठाए यहाँ बाल ने इरादे से आए हैं बस जंग के। अरे महावीर जल्दी खबर जाके ला, इशारे से हमको बताना पता।
अगर कुछ कपट इनका मालूम हो तो भागू तुरंत छोड़े इस खो को। जरनैल लश्कर श्री महावीर जी है मुझे हुक्म स्वामी का धर पर सर पर धरा अभी इनका लाता हूँ जाके पता है। बना रूप ब्राह्मण का पहुंचा मगा श्री राम लक्ष्मण थे आते जगा। अरे महावीर जी को दूजे रूप से श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर यदब से इंद्रियापते हाल करना। क्या कहते हैं हनुमान जी, अरे यदब से करूं चरण में बंदना जी राया, दब से करूं चरण में बंदना क्या इरादा किया ने कई अंजाम कहाया पका है। हर मुबारक वतन जान जन्नत निशान जो जन्म धाम है। कृपा करके बतलाइए दास को जी है, कृपा करके बतलाइए दास को। क्या महाराज जी आपका इनाम है, पर कठन भूमि हरे कोमल चरण आपके, हरे सारे वन में फेरने का क्या काम है। हरे कठन भूमि कोमल चरण आपके, सारे वन में फेरने का क्या काम है। श्री राम जी कहते हैं अरे अवधपुर वतन राम लक्ष्मण सम, अरे भूपति भूपद दशरथ हमारे पिता, अरे हुकम्बा मान बाबल कया ये विपन, संग में सुंदरी की जनक की सुतन। अरे विधि के हम खोज में फिर रहे, पर जिसको लंका पति कल चुरा ले गया, पर दिया हाल हमने अरे किया अपना सब, अरे अब कहो विजय तुम्हारा है क्या माजरा। हनुमान जी कहते हैं सुनकर के अरे धन धन जन्म में प्रभु हर दर्शन दिया घर नाम के, जन जन्म में प्रभु दर्शन दिया घर नाम के। माया के वश हो कर तुम्हारी नाथ मैं जानूं नहीं, सब कुछ तुम्हें स्वामी शरण ली जो
बस अपना जान कर स्वामी शरण जो उन्हें बस दास अपना जान और माता सिया के खोज को कपी भेजेगा वो महिलाश करे जब रार खुद संग में चले रे भगवान हर कंधे चढ़ाए कर आप दोनों को मैं ले चलता वहां हाय सुगरीव आप पकड़ो चरण हाय भगवान मैं कितने आदर से भगवान की स्तुति भी करी है और विनती भी करी है। सुग्रीव के पास पहुंच गए। सुग्रीव कहते हैं अरे सफल जन्म मेरा हुआ है प्रभु दर्शन को पाए मैं पापी मजदार से जो तीनों पार लंघाए मुझको किया पार प्रभु अरे ये दर्श दिखा के मुझे दुखिया की नाथ करी है रक्षा या किम त्रिभुवन पत राम जन्म सफल हमारा कहाँ ऐसे थे भाग किया जो दर्श तुम्हारा श्री राम जी अरे हमें सुना सुगरीव तू घर जाने कुछ हाल सीता को घर ले गया कल रावण चंडाल अरे मित्रमम शोक हटावे प्राण प्यारी जनक सुता का कुछ अहवाल सुनावे तड़प रहा जही काज अगर कुछ हो जा मालूम बतावे बन बन में हमें मीत फिरे बस कल से इसी इरादे सुग्रीव अरे बेशक रथ जाता गगन जो देखा मुझको नाथ पर बस बिलकाती सिया रावण जिसके साथ गया रथ लंका तरफ लगुराया भूषण एक दुपट्टा स्वामी पड़ा हमें यहाँ पाया देखो इसे पहचान नाथ जी जिस कारण मंगवाया ये हमने लिया जान काल रावण के सर पर छाया पर जो ऐसा किया आकर राम से बैर लगा कर क्या लंका में बचे बैठ गया जान बचा कर श्री राम अरे बेशक सरी समूढ़ के चढ़ा मित्र जी काल ऐ सुग्रीव तुम कहो अब अपना है वाल अब अपना है वाल बसो किस कारण वन में सहारी बस्ती छोड़ी यहाँ जंगल में गद्दी कहाँ बनाई अरे दिल बेताब उदास उदासी मुंह पर सोच तुझे अधिकारी मत करे परवा मीत हमें सब दीना हाल बताई सुग्रीव का महाराज रामचंद्र जी से अपनी सब बिस्ता सुनाना क्या सुनाते हैं बिस्ता अरे सुन लीजिए प्रभु ज्ञान दास का सारा है पंपा पुरिया स्थान नाथ मम प्यारा महाराज जहाँ पर मेरा बड़ा भाई अरे बाली नाम बहु बली राज गद्दी जिसने पाई था बाल को मैं प्राणों से ज्यादा प्यारा समझा था मुझे कौन जी आंखों का तरम महाराज अदब मैं भी इसका करता ही पिता समान जान इसको सर हुक्म सभी धरता और एक दिन का गया वाल सुनो रघुराया मैं दानव लड़ने को काजवाल से आया महाराज आन दरवाजे ललकारा है सुना बाल ने गुम बोल गदा ले चला बलि भरम अरे वो दोनों फिर महाराज यहाँ से भागा है हर मम्बीरन का
कारण युद्ध पिछाड़ी लगन। महाराज गया मैं भी वीरन की साथ, हर एक पर्वत की छुपा खो मैं वो राक्षस रघुना। फिर मुझे नाथ पाली ने यूं समझाया, 15 दिन तक दरवाजे पर बिठलाया। महाराज मुझे तदबीर ये समझाई, अगर नया हूँ बाघर तो जानो मरा बाली भाई। मैं 1 महीना करी प्रभु इंतजारी, हरी निकली खो से रुद्रधारी कभारी। महाराज मुझे जाना भाई मारा, हर दरवाजे दे सिला खो के नगरी को भागा। मंत्रियों ने जब सुना अरे पुर बिना राव के जाना, कर सलाह मुझे गद्दी सब ने बिठलाना। महाराज सुनो जब आगे रघुराजा, मैं दानव को मार बाल पंपापुर में आया। अरे मैं देखा बैठा इसे राज सिंहासन, जाना मेरा सब दोषी से रघुनंदन। महाराज मुझे शत्रु की भांत मारा है, पुत्र ना रहे धनमाल मेरा सब खोल खोस लिया सारा। अरे इस दिन से मैं महाराज फिर मन मन में, अरे रहता खायम हर वक्त बाल से मन में। महाराज मुझे नहीं खान पान भावे, अरे इस दिन से महाराज आप काता शिकार से पावे। सब दिखता सुनकर के बाली की भगवान राम कहते हैं, अरे अभी जंग सुगरी बचा के करो जे आवे, जंग सुगरी जाके करो दुख तुम्हारा ये जाता सहारा नहीं। है कहा मुने रघुवंशी फिर मैं कभी, है आज तेरे आदू को जमारा नहीं। नहीं देख सकता मैं दुख दीन का जी है नहीं, देख सकता मैं दुख दीन का, बस मुझे भक्त से कुछ भी यारा नहीं। मुझे मित्र लंका को जाना नहीं, कष्ट जब तक मिटेगा तुम्हारा नहीं। सुनी है बल बाल का तेज रघुनाथ जी, है मैं इसे 12 का खूब पति आ चुका। जो आज लड़न को मगासूर में आई, अरे ये हजारों पे पानी पते पा चुका। मुझे नाम लेने से भय बापता है, क्योंकि अक्सर दफे मार मैं खा चुका। शरण बस मुझे अपने रख लो यहाँ, ये समझ लीजो फिर हार कर या चुका। निबर अपने मन में जरा बाल से, अब कहा मान सगुरी वजह तो सही। न हारेगा हरगिज लड़ेगा जो तू, अपने शत्रु को नीचा दिखा तो सही। तो बेशक तुम्हारी पते जंग में, मेरे कहने पे विश्वास ला तो सही। अरे नहीं अब तो पहला ससुगरी वगैरह, जजारा दंड अपनी बजा तो सही। सुगरी अगर ये आप कहते हैं होगी पते, तो हुक्म मान स्वामी का जाता हूँ मैं। जो होना है होगा अवश्य में वही, निज मुकद्दर को फिर याद आता हूँ मैं। हर निकल बाली अब तू मेरे सामने है, अरे या खड़ा दर पे दुश्मन बुलाता हूँ मैं। अरे किया तूने मुझसे जुलम जो यदू, इस बदी का मजा अब चखाता हूँ मैं। बाली आए हैं निकल करके सुग्रीव की आवाज सुन करके, अबे बुजदिल बारहा पिट चुका, वो मुकाबिल हमारे ये हालते नहीं। क्यों मरने को आया, अरे चला इस जगह क्या झड़ी, अब तलक तेरी मस्ती नहीं। घटावे जिसे या कोई सूरमा, अरे जान बाली की वो पेच दस्ती नहीं। अरे मेरे पास ऐसी अरे गदा ही नहीं है, अरे घटा की तरह जो बरसती नहीं। अरे क्यों धमकावे, अरे क्यों धमकावे गदा दिखाकर, क्या इससे भय खाता हूँ। क्यों
खावे गदा दिखा कर क्या इसे भय खाता हूँ, चाहे प्राण जान चले या दूने पीछे कदम हटाता हूँ। देखो गदा हमारी आई कदा तुम्हारी, देखो गदा हमारी आई कदा तुम्हारी, जिंदान छोड़ तुझको जिंदान छोड़ तुझको। अब मन में ये विचार बाली और ले सुगरी समझ मन में बस कोई घड़ी का जीना गए, ले सुगरी समझ मन में बस कोई घड़ी का जीना गए, तेरे वास्ते यार मुझे अब मुदगर कर में लीना गए। पहला तुवार चूका जिसे बचा तू सूखा, बेहोश हो गया है बेहोश हो गया है लगती ही एक मुक्का। सुग्रीव कहता है हाय रघुनाथ खूब बेझा धोखे से जान गवाते हो, हाय रघुनाथ खूब बेझा धोखे से जान गवाते हो, मुफ्त गई थी जान नाथ जी भला राज दिलवाते हो। पहले मैंने कहा था इस डर से डर रहा था, ताकत न थी मुझे तो बाली का दुख सहा था। जब भगवान राम के पास आ गए तो रामचंद्र जी कहते हैं अरे एक रूप तुम दोनों भाई जिससे नहीं पहचाना गए, एक रूप तुम दोनों भाई जिससे नहीं पहचाना गए, कभी नहीं हार जंग में क्यों भय बाली का माना गए। अरे फूलों की माला गल में सुगरीव तेरे डारूं, फूलों की माला गल में सुगरीव तेरे डारूं, जिससे पहचान तुझको जिससे पहचान तुझको, बाली को फिर मैं मारूं। सुग्रीव का दोबारा बाली से युद्ध करने के लिए जाना और श्री राम का बाली को मार करके भगत का आघात करना। सुग्रीव अरे कहाँ चला या बाल नहीं वापिस घर जाने पाता गए, या मारूं या मर जाऊं बस बंदा यही तकाता गए, करनी के फल को पाले मलिया अपना दिखा ले, उदगर गदा को मूरख होशियार हो चला ले। बाली क्यों नाहक में जान गवावे बिरहट वापिस आया गए, क्यों नाहक में जान गवावे बिरहट वापिस आया गए, ले अब कर ले तो पकड़ कर नीचे तुझे दबाया गए, माना कहा न मूरख सर पे कजा चढ़ी है, फिर हट के लड़ने आया फिर हट के लड़ने आया, खोटी तेरी घड़ी है। श्री राम देख करके क्या कहते हैं अरे ऊपर बाली चढ़ा कभी से नीचे भगत हमारा गए, ऊपर बाली चढ़ा कभी से नीचे भगत हमारा गए, ओट वृक्ष की रहूं तीर तक बाली के तन मारा गए। अरे अब हो भगा सुखाराम ले राज पाठ सारा, जिसने दुखी किया था जिसने दुखी किया था बाली को मैंने मारा। वृक्ष की ओर से बाण खाकर के बाली का श्री राम जी को बदशत्रु कहना और फिर माया हटने से माफी मांगना। बाली कहते हैं अरे हाय पापी निर्लय जो धर्म ते अपना हारा है, अरे खड़ा वृक्ष की ओट बाने क्यों छुप कर मारा है, बाने क्यों छुप कर मारा है, अरे धर्म हित अवतार तुम्हारा अरे फिर कैसे ये धर्म बिचारा, क्यों बाली बैरी कैसे सुग्रीव प्यारा गई, अगर तू सुरा क्षत्रि होता फिर नारी अपनी क्यों खोता, शरण लगई सुग्रीव की आनी जय अरे धर्म बिगाड़ गई। अरे जिस राम ने से तू भय खाया अरे मेरे कभी सन्मुख नहीं आया, अरे लाख दफे रावण बाली से युद्ध में हारा, अगर तू तालिब था सीता को हर पल में इसको यहाँ मंगाता,
और धोखे से दिया मार बली को कर गुजारा गई। अरे जुग जुग करनी चले हमारी ममने की वो बदी तुम्हारी मरा नहीं बाली समझो बस तुझको मारा गए। अरे हाय पापे निर्लज धर्म ते अपना हारा गए। जब बाली ने अपना सब कह लिया मन की बात तो भगवान राम जवाब दे रहे हैं। अरे यारे सुन मुँह रखे अभिमानी तुझ जैसा निर्लज जगत में कोई नहीं प्राणी। अरे नाहक तरसाया तुझे और शील संत सुगरी तुझ जैसा पापी नहीं और दूसरा जीव तायो अरे तुझको या ज्ञानी। अरे दुष्ट इससे अभी क्या हो पाप महान अनुज बधु बंचर सुनो और होती सुता समान तुझे वो औरत करे जानी। ब्रह्म सता ये हो तक है और राज तेज कुल नष्ट पापों से दिन दिन हुआ और दूना और वरिष्ठ तेरा ये अरे जामा है वाणी। अरे परत्रियगामी हरि विमुख अरे पर नंदक मगरूर कहे नीति इस जीव को गर्म मारे बिना कसूर नहीं है फिर भी कुछ है हानी। अरे दुष्ट अरे सुन मूरख अभिमानी तुझ जैसा निर्लज जगत मैं कोई नहीं प्राणी। अरे सुन मूरख अभिमानी। जब भगवान राम से ऐसे ज्ञान की बात सुनी तो बाली को ज्ञान हुआ है तो फिर स्तुति कर रहे हैं जय जय बंती जय शरनायक अवधारी प्रभु शरण तिहारी। अनुचित बात कहो या क्या था क्षम क्षमा मंदो मंदोदर भ्राता श्रवण सुखद शरण सुखदा अनंत काल गति तुरी विचारी। हरे अब कर जोड़ बिनय प्रभु मोरी अंगद दास शरण ये तोरी देवत राम लखन की जोड़ी बसो ये मम धन्य धनधारी। वाणी का भगवान रामचंद्र जी की विनती करके गदगद होना अंत में है मुझे अंत में नाथ तेरी शरण मुझे अंत में नाथ तेरी शरण गाये पान वैकुंठ को छोड़ सन। वाली का मन सुनकर के तारा रानी का आकर के विलाप करना तारा रानी का और फिर आके सहन से लगा जख्म कारी मुझे याद तड़पावे स्वामी तुम्हारी। अरे बिना नाच के नाच कहते सुहावे है मुझे याद बाली से बाली की आवे लगी ब्रह की बिंदी तो बिंदी उतारी। है फर्जी ये फर्जी मेरी बिंदी बनती यारा तेरी हार ने हार छीना हमारा लगे यार सी आर सी अब पियारी मेरी झाड़ मछली हुई झाड़ जी की भर लिया चकने चक याद करके पाती की। है वो पहुंची तो पहुंची पिया संग हमारी गई बात है चूकी तो चौकी नी काली नसीबा ये लाली उड़ी जब के लाली है लगे मांग बिन मांग बालम ने कारी। है पर आते सहनम से लगा जख्म का मुझे याद तड़पावे स्वामी तुम्हारी। ये सब जेवरों के नाम थे तारा रानी का विलाप सुनकर के भगवान राम कहते हैं
कर कर के दहनताराम, हर ब्रह्म को जगा रही है क्यों मस्तिका को बाली, हर बालम बना रही है हर समझो असल में प्यारी, हर कोई नहीं किसी का हर मेरी जगत में माया, हर जलवा दिखा रही है। ये थी मेरी अमानत बस मैंने ले ली है, लाई कहाँ से इसको हर अपना बना रही है। हर पिंजरा ये पंचभूति हर आगे तेरे पड़ा है, अरे है जीवन के फिर क्यों संकट उठा रही है। अज्ञानता से आपने अरे दुख जीव मानता है, अरे आवागमन हर एक को अरे ले जा बोला रही है। अरे है कौन कंठ तेरा भरम बसर उदन मचाती, पर किसकी जुदाएगी में और संकट उठा रही है। और कर कर के बहन तारम प्रह को जगा रही है, क्यों मर्तिका को बाली बालम बना जब रघुनाथ ने यूं तारा को समझाया, हरि उपजा हृदय में ज्ञान मिटी सब माया। महाराज जोड़ कर रघुवर से बोली, मरा राम के हाथ मुक्त मुक्त है मम स्वामी की बोली, करुणा निधान करना मेरी सुन लीजिए, हरि अपनी भक्ति वरदान प्रभु मोहि दीजिए। महाराज भई भव सागर जाती हूँ, बिना आपके नाथ नहीं कोई रक्षक पाती, अज्ञान विवश में अबला मूढ़ अनादि, अरे दुख हरो जान की नाथ में शरण है तुम्हारी। महाराज आपकी अभी धमाया है, अरे लख ज्ञानी हैरान नहीं था जिसका पाया, अरे सुनकर बाली का मन नगर नर नारी, दीवान मंत्री अहलकार सरकारी। महाराज हुई लाशे पे भीड़ भारी, गुण सराय निज भूप के रोती थी प्रजाए सारी। सुग्रीव मैं अंगद की फिर वहां आया, हर कुल रीति से बाली का दाह करवाया। महाराज विधिवत मृत क्रम किया, अंगद हनुमान आदि को जो कुछ लाजम तम हुआ पारीग। जब कपी राज करम बाली से इस तरह वहां पर जब के कुछ दिन बीते, महाराज सुनो जब यागे का यवाल, हुकम दिया श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को तत्काल। श्री राम जी लक्ष्मण जी को पंपापुर में भेज रहे हैं, सुनो जति आप पंपापुर में जाएं, कपिराज को राज काए दीना तिलक चढ़ा, दीना तिलक चढ़ाए और यंगद यो राज बनाना है, अहनकार दीवान मंत्री सबको पास बुलाना, जो राजाओं का धर्म इसे सब राजनी तब बतलाना, रखे याद हमारा मतलब इसे खुद खूब समझाना। लक्ष्मण जी, अरे हुक्म प्रभु जी का आपने जो कुछ दिया लगा है, तू गद्दी सुग्रीव को जो पंपापुर में जा, पंपापुर में जाए चला झट बीच नगर के आया, अहलकार दीवान मंत्री सब दरबार लगा, बिठा तख्त सुग्रीव हाथी अपने से तिलक चढ़ाया, जो रणवास महल में सब ने खुशमंगल गाया। सुनो यार लक्ष्मण
सुग्रीव हमारा सुखन, श्री राम ने ये कहा है वचन, जो मकसद तुम्हारा था पूरा हुआ, मरा बाली और राज तुझको मिल, करो जल्दी अब जो हमारा का काम, मैं हो दे रही अब झट करो इंतजाम। सुग्रीव कहते हैं अरे हुकुम नाथ का नाथ मंजूर है, यह बंदा हमेशा चरण दूर है, कठा दूंगा बंदर करोड़ो यभी, करूं स्वा काम स्वामी न भूलूं कभी, दिलो जा से हाजिर हूं मैं नाथ जी, मैं परहेज जावे अगर जाने दे, खुशी से करें आप पर्वत पे वास, है खिदमत को हाजिर यह हर वक्त दास। लक्ष्मण जी वापिस आ गए हैं और वहां पर जो था 6 महीने चौमासे के भी जो थे 3 महीने वो भी बीत गए। आखिरकार तंग आकर के भगवान राम कह रहे हैं अरे देख लक्ष्मण क्या किया, सुग्रीव ने हमसे लगाई डाल पर बस पर हमें खुद का शिखर का घर करने लगा, इस तरह धोखा हमारे साथ करना देवता, हमें लाजिम के दे इस मित्र घाती को सजा, देवत राम कहे दुनिया मतलब की नीच का हाथी रहे, जनक सुता बिन मुझे ये बरखा ऋतु सताती है। लक्ष्मण अभी ना तक कसकम दे जाता हूँ मैं, इस बदन जाम का सर उड़ाता हूँ मैं, ऐसे नाथ धोखा किया नाथ से, ऐ लाजिम सता कर सजा कर बदी की मिल, चढ़ा कर ध्वंस बन जाता हूँ मैं, जलाखा कपूर को बनाता हूँ मैं, महाप्रद हो करके पहुंचा मगा, ये रहता था सुग्रीव पुर में जहाँ। हम लक्ष्मण जी अंदर दाखिल हो गए हैं और ललकार करके कहा के निकलिया भैया जरा बाहर को देखे भी तेरा है कितना बल है। अरे मेरा सर हरि सका सर है, दुष्ट सगरीब कहा सर है, निकल मुँह जरा तो दिखला जा, बनाऊ देख तुझे राजा, फिरा बाली से जूं भागा, तेरा फिर वही वक्त जा जाए, मित्र द्रोह तैने किया यार एक पटकी खान, कोई घड़ी का जगत में अब तू है मेहमान, जाना सर पर रघु लगाए। सुग्रीव दास का हाजिर ये सरल आपके जो चरणों पर रह, भूल सब माफ करो जन के, मुझे शरणागत लक्ष्मण के, हरि उलांगे गति न देवन के, प्रबल माया रघुनंदन के, हर नहीं भूल सकता कभी जिस स्वामी का काल, कई पदम दल बानरी सेना है तैयार, खड़ी हो न्यासी निशी बासर गए। लक्ष्मण जी कहते हैं खैर चलो श्री राम पे जो लग ले सब लश्कर साथ, बात तुम्हारी देखते वहां कब से रघुनाथ, वहां कब से रघुनाथ करें इंतजार तुम्हारा, चलो राम के पास संग लश्कर ले सारा। सुग्रीव आकर के भगवान राम के चरणों में पड़ गए हैं, हर चरण पकड़ छोड़ू नहीं मैं मूर्ख अज्ञान, हर गुना बख्शने जोग है आप श्री भगवान, आप श्री भगवान मोड़ में हूँ बंचारी, कीजे स्वामी माफ पंगी पर चूक हमारी, कई पदम दल नाथ बानरी सेना सारी, हम माता की खबर लेने जाने की तैयारी। श्री राम अच्छा यगसु अब सुग्रीव तुम करो भाई ये काम, सब बंदरों को भेज दो जुदा जुदा चंदाम, जुदा जुदा चंदाम चले सब बानर जामे, जिस कार्य हो शुद्ध खबर सीता की लाऊं, कैसे हैं ये बलि आज सबको पतिया में, दीजो सबको हुक्म लौट झट वापसिया में। इतना सुनकर के सुग्रीव ने जो था सब बानरों को हुक्म सुना दिया, और सब बानर जो थे वो चारों दिशाओं के अंदर जैसे जैसे भी इनकी ड्यूटी लगाई सब दौड़ पड़े। श्री राम हरे अंजनी सुत पवन कुमार सुनो मम बानी, मिल जावे तुम्हें जरूर जान की रानी, हे महावीर अरे मुद्रिका मेरी ले जाओ, दे सीता के हाथ निशानी कुछ इसकी लाओ। तीनों दिशाओं के अंदर के बानर जो थे वो
सब पूरा पश्चिम उत्तर को चले गए। जानकी जी की बहुत खोज करके वापिस आ गए और महावीर वो अंगद वगैरह महावीरों की पार्टी जो दक्षिण को गई थी है, वो मंजिल मकसूद पर जाना उनका। सब बांधवों का वह हुक्म सोमा प्रभु के अपनी अपनी आंखें बंद करना और अपने आप को समुद्र के किनारे पर पाना। अंगद जी कहते हैं, धन्य भगत ने तुझे एक साय तुम्हें कहाँ पचाया है, अर्जुन जंगल तय की खड़ा सबको सागर पर पाया है। अच्छे वक़्त में लाई भगवत ने की सगाई, मरते अगर न बन में जाने सभी बचाई। उनका अंगद जी की बात सुनकर के धृतराज संपाति जो मुद्दत से यहाँ पड़ा था बड़ा खुश हुआ। कहता है संपाति गिरिराज, हर शुक्र करूं घर बार विदाता, अपार तेरी माया है, कई दिनों का भोजन मेरा घर बैठे पहुँचाया। जब जब से ये पर जले हैं नहीं पेट भर के खाया हम, मुद्दत के बाद पूरा भोजन मुझे पहुँचाया। और संपाति के गिरिराज की आवाज़ सुनकर के सारे बानर जो थे बट में और जामवंत जी कहते हैं, और घर के रहे रहे न घाट के यहाँ मुफ्त में जान गए, अरे गए चन में ना सीता की खबर गई, ना हक मरे यहाँ पर पक्षी का भक्ष बनकर, हमसे भगा जटायु लाख दर्जे बेहतर। संपाति, अरे जहरा सरे जरा मेहर कर मुझे बताओ, कहाँ जटायु नाम सुना, अरे वो छोटा भाई है मेरा, हाल सुना दो वीरन का, वीरन का हाल मेरे मुझको सुना दो भाई, तुमको कहो अगर कुछ भगवान की दुहाई। हनुमान जी कहते हैं कि अच्छी जान बची भाई, अरे दशरथ सुते रघुवर लखन, अरे संग जनक की बात, अरे पितुआ क्या सीजा रहे, अरे वन में 14 साल, वन में 14 साल हरा रामन ने जने कटुलारी को, अरे कर जंग जटायु कथल हुए रो का रामन बल भारी को, अरे हम शुद्ध सीता की ये तफिरे सरी ओटी दीपताए भारी को, और यहाँ आकर नाहक प्राण दिए बने भोजन भूखत मारी को। संपाति कहता है, अरे धन्य बिरादर को मेरे, अरे राम तदिये प्राण, जगह में फल दूजा नहीं परि उपकार समान बड़े प्रशंसा परि उपकारी की, मैं भी मुद्दत से यहाँ पड़ा तुम आने की इंतजारी की, बस देख तुम्हें जम गए पंख कटी अवधि विपत हमारी की, और बेशक तुम लंका पते करो सुध लावो जनक दुलारी की, अरे जो नहीं डरेगा अरे वही बस फतेह करेगा, सौ योजन जल खड़ा पार कोई सूर तरेगा। सब बांधवों का किनारे समुद्र के बैठकर के लंका में जाने के लिए अपना अपना पुरुषार्थ कहना। अंगद जी कह रहे हैं सबसे पहले, और सब सेना के सूर में जो बैठ गए हैं यार, सौ योजन जल चीर के कहो कौन कह जाए, कहो कौन सा जाए कहो निज निज पुरुषार्थ प्यारे, हर गज गो रक्ष सर्वमान और कब सखी सारे, जामवंत महावीर नीलन सुनते हो तुम सारे, कहो कौन लंका में जाकर रघुवर का काम सुनारे। कुछ क्या आ रही एक बानर कहता है, अरे सीता पति अंगद सुन लीजिए निज बल तुम्हें सुनाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा स्वामी बसे
सुयोजन छाल लगाता हूँ, बस ये है बल हमारा, गंगा सुनो प्यारा, जाऊँ चलाई से तुम्हारा। गोरक्ष बानर सुयोजन विश्व सुनो लिंगत जी, बंदा भी जा सकता है इससे आगे, बस स्वामी ज्यादा ताकत नहीं रखता है, आज्ञा अगर तुम्हारी सुनिए जरा हमारी, दीजिए हुक्म स्वामी जाने की है तैयारी। सर्वमान बानर हर सुन लीजिए पुरुषार्थ मेरा, निज बल ये दिखलाऊंगा, अगर आप दे हुक्म तो 40 योजन छल लगाऊंगा। ज्यादा नहीं ताकत इससे अगाड़ी जाऊं, बस और क्या ज्यादा निज बल तुम्हें बताऊं। नल नील बानर कहते हैं, अरे मुझे ताब है ना तो सुनो, जो जन 50 तक जाने की इससे ज्यादा बस ताकत ज्यादा और बताने की, बलिया अपना बताया समाज रा सुनाया, दीजो हुक्म मेरे को अगर कुछ समझ में आया। जहां मंत्र जी कहते हैं, हाय वृद्ध हुआ बल नहीं रहा देखो, या मैं नौजवान नहीं, 90 योजन जा सकता हूँ, ज्यादा ताबो तमा नहीं, जबके जवान मैं था निज बल तुम्हें सुनाता, दिन में कई दबे सागर को लांग जाता हूँ। सबने अपने अपने जब बल बतलाए, अब आखिर में बारी रह गई अंगद जी की। इधर अंगद जी कहते हैं, 100 योजन तक यार मुझे देश का है ताकत जाने की, मगर सामर्थ नहीं हमारी महा से वापिस आने की, हर सोचो करें क्या भाई मुश्किल में जान आई, मरना हुआ या लांगर सीता की शोभ न पाई। अंगद जी की वचन सुनकर के सब बानर बड़े दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि अब क्या करें भाई, हमारे यहाँ जो भी इस वक्त बुजुर्ग हैं वो श्री जामंत जी हैं, जामंत जी आप हमें रास्ता बतलाइएगा। जामंत जी ऋषराज कहते हैं, हर लंका में बस जाना किसे, हर अंग दीना है हनुमान के, और धन की शरी नंदन पवन ऐसा बल पवन से भी, धन के शरी नंदन पवन सुत बल पवन से भी, रक्षा करो सब नरों के पास अपन जान कर, तुमने जन्म ते ही दिखाए ते कला सुर राज को, तुमने जन्म ते ही दिखाए ते कला सुर राज को, हरण का जावतार हो तुम राम नाम बेईमान, और बेशक तू लंका मुख कर सीता की शुद्ध लाने जरूर, बेशक तू लंका मुख कर सीता की शुद्ध लावे जरूर, कहो कौन जग में तुझे बिना कारज करे भगवान, अरे लंका में बस जाना किसे अंग बिना हनुमान, हो
और जो करो कहाया वीर ने वीरों की ये हस्ती नहीं कहता है देवत राम क्या करता बह ये इंसान के कहता है देवत राम क्या करता बह ये इंसान के लगता में बस हनुमान जी ने अपना नाम सुना खड़े हो गए और वो पुरानी याद बजरंग बली को आ गई, क्योंकि बजरंग बली को ये शाप था कि तुम अपना बल भूल जाओगे और जब कोई